सो गाइज, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ NFC के बारे में। NFC क्या है, इसके क्या फायदे हैं, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइज, बहुत सारी मज़ेदार डिटेल, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिली है। बहुत काम की वीडियो है ये, एंड तक जरूर देखना, आपको मज़ा आएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, कमाल की इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। और हाँ, क्या ब्लाइंड लोगों के लिए एक्सेसिबल है, काम की चीज़ है, ये मैंने आपको वीडियो के एंड में बताया। तो एंड तक देखना, कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा ये नॉलेज से भरपूर वीडियो है। तो वीडियो में लाइक की कमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए भाई, इस टॉपिक के लाइक कर देना, ये बहुत कमाल की चीज़ है। तो लाइक का बटन आपकी ओर से ज़रूर दबना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये NFC एक्चुअली में होता क्या है। सो गाइज, यहाँ पर NFC की फुल फॉर्म होती है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अब यहाँ से आपको नाम से ही पता लग रहा है, नियर मतलब पास और कम्युनिकेशन मतलब कि यहाँ पर आप कम्युनिकेशन कर सकते हो पास रखकर दो NFC डिवाइसेस को। फील्ड का मतलब यहाँ पर ये यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडियो फील्ड्स का, है ना। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके द्वारा यहाँ पर आप NFC से NFC को कनेक्ट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, और यहाँ पर आप बहुत सारे फ़ायदे कर सकते हो। यहाँ पर क्या क्या फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे गाइस इसके। यहाँ पर फ़ायदे, सबसे पहले आप यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो, कैसे वो आपको आगे समझ में आएगा, है ना। और गाइज, यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जो आप चाहो वो कर सकते हो, बहुत ज़्यादा। कुल मिलाकर आप पेयरिंग भी कर सकते हो, मतलब अगर आपका कोई डिवाइस है जो कि NFC सपोर्ट करता है, आपको उसमें कुछ ब्लूटूथ डिवाइस नहीं डालना है, कोई कुछ नहीं करना है, सिंपली उस डिवाइस के पास लेके जाओ, यहाँ पर आपका वो डिवाइस पेयर हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ये सब होता है गाइज NFC के द्वारा। अब गाइज, ये NFC जो है, यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीमियम टाइप के जो फ़ोन होते हैं उनमें देखने को मिलती है, बहुत सारी स्मार्ट वॉचेज में भी है ये, है ना। इवन जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है उसमें भी NFC की चिप लगी होती है, है ना। NFC टैग्स लगे होते हैं, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, जो कि यहाँ पर आपको पेमेंट करने में हेल्प करते। तो कुल मिलाकर ये जो NFC है ना, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर दोनों भी डिवाइसेज में इसके लिए पावर की आवश्यकता हो, इसके लिए पावर की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड्स का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर अब मान लीजिए कोई आपका फ़ोन है और दूसरा आपका है क्रेडिट कार्ड। अब उस क्रेडिट कार्ड में तो पावर है नहीं, लेकिन आपके फ़ोन में पावर है, तो यहाँ पर वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि उसमें आपको पावर की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं आवश्यकता पड़ेगी, वो कनेक्ट हो जाएंगे, वो डिटेक्ट कर लेगा, है ना। ये चीज़ होती है गाइज। तो ये सिंपल सा मतलब होता है गाइज NFC का, कि आप एक फ़ोन से या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। अब गाइज, यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए आपको बिल्कुल अपने फ़ोन को या अपना जो भी डिवाइस है NFC वाला, बिल्कुल पास रखना होगा, 3 से 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर से दूर अगर आप जाते हो तो वो उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा और आपका जो डिवाइस है वो कनेक्ट नहीं होगा। आपको अपने डिवाइस को जस्ट पूरा चिपका कर रखना है साथ में, कोई भी NFC डिवाइस है तो वो दोनों यहाँ पर उसको डिटेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये क्योंकि नियरली, है ना, पास नाम ही इसका इसलिए पड़ा हुआ है। तो ये होता है गाइस NFC, बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजी है ये। अब गाइस, यहाँ पर ये NFC तो आपने जान लिया, अब एक और चीज़ यहाँ पर चल रही है गाइस, NFC टैग। NFC टैग क्या होता है गाइस? ये एक स्टिकर जैसा होता है ना, जिसमें कि NFC की जो चिप है वो लगी होती है ना, और वो कहीं पर भी हो सकता है जो कि इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। आपके कार में हो सकता है, आपके क्रेडिट कार्ड में हो सकता है, आपके डेबिट कार्ड में हो सकता है। अब गाइस, यहाँ पर आप कार्ड अगर स्वाइप करते होगे, है ना, पेमेंट करने के लिए, जो मान लीजिए दुकानदार से कुछ ले रहे हो या कैश नहीं है आपकी जेब में, तो यहाँ पर मशीन जो दिखाते हैं आपको, वो जिसके द्वारा आप कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हो, तो अब आपको कार्ड वार्ड लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। सिंपली आप अपने फ़ोन में अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लो, सैमसंग का है तो सैमसंग पे ये सपोर्ट करता है, अगर आपके NFC है आपके उसमें फ़ोन में। और यहाँ पर गूगल, अगर आपका कोई अदर जो कस्टम एंड्रॉयड है, कोई भी कस्टम डिवाइस है, तो उसमें गूगल पे आप यहाँ पर गूगल पे में अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लो, जिसमें कि NFC चिप है। एप्पल का है तो एप्पल पे में, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप कार्ड की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो अपने उसी ऐप में जो भी आपका एंड्रॉयड सपोर्ट करता है। अब उसके बाद क्या होगा गाइज, जैसे ही वो कार्ड उसके कॉन्टैक्ट में आएगा, एक बार आपने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर कर ली, अब जैसे ही आप अपने फ़ोन को, कार्ड कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, जो आपका फ़ोन है,
जिसमें कि NFC चिप है, जिसमें आपने उस कार्ड की डिटेल को स्टोर किया है। आप उसको जैसे ही मशीन को छुआ दोगे, टच करा दोगे, बस आपकी पेमेंट हो जाएगी। कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं करना है, सिंपली आप उसको चिपकाना है, पेमेंट हो जाएगी। ये बात होती है, कुछ पिन विन नहीं डालना होता है इसमें, है ना, डायरेक्टली पेमेंट हो जाती है, क्योंकि वो आपके कार्ड के द्वारा होती है, वो उसको आपका एज ए कार्ड डिटेक्ट करता है, चाहे आपका कार्ड आपके पास हो या ना हो, लेकिन वो पेमेंट हो जाएगी NFC के द्वारा, क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर्ड है ना। तो इस तरह से ऐसे कहीं आप पेमेंट कर सकते हो। डेटा शेयरिंग के लिए आप कैसे कर सकते हो, तो डेटा शेयरिंग के लिए आपको दोनों भी फ़ोन को बिल्कुल पास रखना है, और एंड्रॉयड बीम के द्वारा यहाँ पर आप, एंड्रॉयड भीम जो यहाँ पर आता है, जिनके फ़ोन में NFC है उनको पता होगा, तो वहाँ से आप सिंपली पेमेंट भी कर सकते हो, ब्लूटूथ भी पेयर कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें गाइस यहाँ पर आप कर सकते हो, बहुत कुछ है इसके फ़ायदे। अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, मैंने जस्ट यहाँ पर आपको एक आइडिया दिया है कि ये NFC होता क्या है। गाइस ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत पुरानी है ना, 7-8 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये नई नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को अगर आप देखो तो यहाँ पर ये बहुत फ़ायदेमंद है, और इसको टाइम टू टाइम इम्प्रूव किया जाता है, और आगे जाकर ऐसी चिप्स, ज़रूरी नहीं है NFC, यहाँ पर गाइस एक और चीज़ भी होती है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो NFC जैसी बिल्कुल सेम होती है, लेकिन उसमें डिफरेंस इतना है कि वो दूर से भी डिटेक्ट कर लेती हैं। ये सिर्फ पास से डिटेक्ट करता है, वो दूर से भी डिटेक्ट कर सकता है, किसी भी चीज़ को पेयर कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है ना। वो बहुत सारी ओपन जगहों पर भी लगी होती हैं, जहाँ पर टैक्स वगैरह, पेमेंट कहीं करनी होती है, कार जाती है आपकी तब कुछ पेमेंट वगैरह करनी होती है, तो ऐसी जगहों पर यहाँ पर वो चीज़ लगी होती है, उसका नाम है भी याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन ये जो NFC है ये बहुत सारी जगहों पर आपको मिलती है, और ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, और ये बहुत ही काम की टेक्नोलॉजी है। और गाइज एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ, जो NFC होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ये आपके फ़ोन में कहीं पर भी हो सकता है, एक एंटीना टाइप होता है जो कि आपको बहुत ही छोटा होता है वो फ़ोन में, है ना, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये हर एक फ़ोन में अलग अलग जगह होता है। तो बस आपको गाइज सिंपली कुछ भी नहीं करना है, जो भी आप फाइल भेज रहे हो, जो भी आप कनेक्ट कर रहे हो, जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, बस टच कराना है उस चीज़ से। बट यहाँ पर शर्त ये है कि दोनों भी डिवाइसेस NFC सपोर्ट करने चाहिए। जैसे वो चीज़ संपर्क में आएगी, बस एक टैप करना है आपको, कुछ टैप नहीं करना है, मतलब फ़ोन को बस उससे या कोई भी डिवाइस को छुआना है, उससे टच करवाना है, बस आपका काम हो जाएगा, जो भी आप यहाँ से करना चाह रहे थे। ये है गाइज बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ NFC। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से आप कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं गाइज, है ना, इसके 3 मोड होते हैं। ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, ये कुछ ज़्यादा ही टेक्निकली हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको सिंपल भाषा में यहाँ पर समझा दिया, अगर आप इसका प्रैक्टिकल खुद यूज़ करोगे। अब गाइज बहुत सारे लोग जो है ना इसको इग्नोर कर देते हैं, है ना, जो उनके फ़ोन में NFC होता है भी उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन भैया आपके बहुत सारे कामों में यूज़ में आ सकता है, आपके क्रेडिट कार्ड में भी हो सकता है NFC चिप होती है बहुत सारे कार्ड्स में, है ना, तो आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो, बहुत सारे लोग इग्नोर करते हो, भाई इस्तेमाल क्या करो। इस पर मैं प्रैक्टिकल वीडियो कभी ज़रूर लाऊंगा, है ना, कभी मेरे पास NFC वाला कोई डिवाइस, कोई फ़ोन वन मिले भैया, उसमें तो ज़्यादा महंगे फ़ोन होते हैं, 30-40-50 हज़ार वाले फ़ोनों में मिलती है आपको NFC, तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास कोई डिवाइस हो जिससे कि मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा सकूँ कि NFC का यूज़ कैसे करना है। अब गाइस यहाँ पर फाइनल बात करें कि ये विजुअली इम्पेयर लोगों के लिए कितनी खास, कितनी स्पेशल टेक्नोलॉजी है, इसमें एक्सेसिबिलिटी की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है फिजिकल, एक ये जो है सेंसर है या चिप है, बस आपको टच करना है और वो काम हो जाएगा। फ़ोन तो आप जो काम कर रहे हो नॉर्मली ऑपरेट कर रहे हो, कार्ड की इन्फॉर्मेशन आप गूगल पे से नॉर्मली स्टोर कर रहे हो, लेकिन आपके सामने जो मशीन आएगी बस उसके वो टच में आएगा, अगर उसमें NFC हुआ तो बस पेमेंट हो जाएगी, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी की कोई बात ही नहीं आती है ना। तो ये टेक्नोलॉजी गाइस सबके लिए है ना, जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम है सबके लिए यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी है, पूरी एक्सेसिबल है विजुअली इम्पेयर लोगों के लिए, कुछ भी ऐसे ऑप्शंस नहीं है, कुछ भी ऐसे फीचर्स नहीं है, सब फिजिकली होगा, सब जल्दी होगा, सब फास्ट होगा, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट काम करती है। तो उम्मीद है गाइस यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, NFC और NFC टैग्स ये बहुत ज़रूरी है, ये एक स्टिकर होता है जहाँ पर भी लग जाए, और वो अगर NFC सपोर्ट करते हो तो आप उस चीज़ से उसको एक्सेस कर सकते हो NFC से कनेक्ट करके। उम्मीद है गाइस यहाँ पर आपको NFC का जो पूरा फंडा है, जो पूरा खेल है, वो समझ में आ गया होगा। भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेक्नोलॉजी है ये, है ना, मैं खुद इसको यूज़ करना चाहूँगा, बट देखते हैं वो दिन कब आएंगे भैया। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नई चीज़ जानने को मिली होगी, सीखने को मिली होगी, एक नई टेक्नोलॉजी। तो पसंद आई हो वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सभी के साथ गाइस इस वीडियो को शेयर कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो, फीमेल्स अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो भी वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।